उज्जैन जिले के बड़नगर में राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पहुंचे और बगैर नंबर के ट्रैक्टर को चलाकर विरोध दर्ज किया। उज्जैन बड़नगर शहर में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां पर कोर्ट चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बगैर नंबर लिखा हुआ ट्रैक्टर चलाया और पास में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आगे आगे डीजे और रंग बिरंगे परिधान पहने बहुरूपिया नाच गा रहे थे। शहर के मुख्य मार्ग से ट्रैक्टर रैली गुजर रही थी। विरोध दर्ज करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जहां केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए कृषि कानून के नुकसान किसानों को बता रहे थे। यह कृषि कानून जो लागू किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, इनका नुकसान किसानों को होगा। पर ऐसे भी किसान वहां पर पहुंचे जो यह कहते रहे कि हमें नहीं पता कि क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सबदील पटेल। कौन से गांव रहते हैं आप? डुमरिया। खेती किसानी करते हैं? हाँ। अभी आप लोग विरोध दर्ज कराने आए हुए हैं, किस प्रकार से ये कृषि कानून के नुकसान हो रहे हैं जो आप विरोध दर्ज कराने के आए हैं, क्या हो रहा है बताइए आपको? है आपको नहीं पता कृषि कानून से? नहीं पता आपको? आपको पता नहीं है ना कृषि कानून से नुकसान क्या हो रहा है? अच्छा, तो डीजल पेट्रोल कृषि कानून के उसमें है क्या? डीजल बढ़ेगा तो कृषि चलेगा नहीं। नहीं, केंद्र सरकार ने कृषि कानून लागू किए हैं 3, तो आज उनका विरोध दर्ज है। आपको जानकारी है क्या नुकसान होंगे इससे और क्या होगा? मंडी बंद हो जाएगी। है खेती किसानी करते हैं? बताइए ये जो विरोध है किस लिए दर्ज करा रहे हैं और किस लिए आए हुए हैं आप ट्रैक्टर लेकर? क्या धारा? सब्सिडी क्या हटा? कई सब्सिडी हटा रहे हैं? आई का बड़ा क्या कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है? तो जानकारी नहीं और आप आ गए? पढ़े लिखे पढ़े तो जानकारी नहीं आपको किस चीज़ का विरोध दर्ज करा रहे हैं? अपन किस लिए, क्या है, क्या होना चाहिए, क्या मांगे आपकी? किसान को माल सही समय बिकनो बिकनो चाहिए, भाव मिलना चाहिए। तो भाव ना भाव अभी 100 रुपये लीटर में पूछा है, कई तरह खास आपके और क्या नुकसान है क्या है बताइए? डीजल पेट्रोल महंगा बहुत हो गया। तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? तो डीजल पेट्रोल कृषि कानून एक अलग चीज़ है, डीजल पेट्रोल एक अलग चीज़ है। आप जानते हैं कृषि कानून के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? जानते हैं आप इसको? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, अब क्या भाव तो महंगा, क्या भाव क्या चल रहा है, क्या करें सर लोग? ये कृषि कानून की वजह से हुए हैं क्या? ये पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कृषि कानून की वजह से हुई है? माल का भाव नहीं है, वना का भाव चल रहा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।